इसराइल हमास युद्ध के बाद से ही मिडिल ईस्ट में हालात बेहद ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। लाल सागर में हूती की दादागिरी कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने एक साथ मिलकर यमन के भीतर हूती पर कई हवाई हमले किए हैं और इनके जवाब में हूती लगातार लाल सागर और अरब सागर में अमेरिकी जहाजों पर हमले कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच अब मिडिल ईस्ट अमेरिकी सेना के लिए एक ज्वालामुखी बन चुका है जो कभी भी फट सकता है। दरअसल जॉर्डन में आधी रात के दौरान अमेरिकी सैनिकों की एक चौकी पर एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ है जिसमें अमेरिका के 3 सैनिक मारे गए हैं जबकि 30 से ज्यादा सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह हमला हुआ है वो सीरिया के बॉर्डर से बेहद ही करीब है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जॉर्डन सरकार के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है कि जहां पर यह हमला हुआ है वो जॉर्डन की सीमा से बाहर था। वहीं इस हमले को लेकर 2 अमेरिकी अधिकारियों ने सीएनएन न्यूज से कहा है कि अधिकतर सैनिकों को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है जिनका इलाज किया जा रहा है और ये हमला अलतनफ अमेरिकी बेस के करीब एक चौकी पर हुआ जहां पर अमेरिकी सैनिकों के क्वार्टर बने हुए थे। इस सैन्य चौकी को टावर 22 के नाम से जाना जाता है जो सीरिया बॉर्डर के बेहद ही करीब है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि क्या अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम इस ड्रोन हमले को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है। और बड़ी बात यह है कि जिन अमेरिकी सैनिकों पर यह हमला हुआ है वो सैनिक जॉर्डन के साथ मिशन एडवाइस और असिस्ट के तहत वहां ठहरे हुए थे। वहीं इस हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि जो इस हमले का जिम्मेदार है अमेरिका उन्हें जवाबदेह ठहराएगा। इसको लेकर जो बाइडेन ने एक बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि कल रात सीरिया सीमा के पास पूर्वोत्तर जॉर्डन में तैनात हमारे सुरक्षा बलों पर एक ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सर्विसमैन मारे गए और कई घायल हुए। हालांकि हम अभी भी इस हमले के तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये सीरिया और इराक में सक्रिय ईरान समर्थित कट्टरपंथी आतंकवादी समूहों द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि अमेरिका ने इस हमले के पीछे ईरान समर्थित आतंकी संगठनों का हाथ बताया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद ये पहला ऐसा मामला है जिसमें किसी अमेरिकी सैनिक की जान गई हो। अमेरिका के मुताबिक अभी तक इराक और सीरिया में अमेरिका की गठबंधन वाली सेना पर 158 से ज्यादा बार हमले हो चुके हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर हमलों में अमेरिकी सेना को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जॉर्डन ड्रोन अटैक अमेरिकी सेना के लिए अभी तक का सबसे बड़ा झटका है।